आज 2024 में भी लोग पुराने तरीके को अपना रहे हैं, पुराने पैटर्न को अपना रहे हैं। आज भी वो पोस्टर्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, पैम्पलेट्स, हैंडबिल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो होर्डिंग्स लगाते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है उसमें। अगर प्रोमिनेंट जगह पे है आप, इस तरीके की चीज़ों में आप पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या वो पैसा रियली में आपके काम आता है? क्या रियली में उस चीज़ को लोग देखते हैं? अगर आपने एक प्रोमिनेंट स्क्वायर में जहाँ पे 50,000 1,00,000 रुपए का अगर रेंट है, वहाँ पे आपने अपना बोर्ड लगवा दिया। भागती दौड़ती लाइफ में, इतने बिजी शेड्यूल में किसके पास इतना समय है वो उस चीज़ को देखे? आप स्कूटी पे हैं, बाइक पे हैं, कार में हैं, आप वैसे जा रहे हैं, आप रिक्शा में हैं, तो ज़्यादातर लोगों की नज़र नहीं पड़ती है। 90% लोग उस चीज़ को नहीं देखते, लेकिन आप 100% पैसा देते। स्मार्टफोन पे लोगों की प्रेजेंस ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा है। इस चीज़ को कम तो किया नहीं जा सकता, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठा के बड़ी बड़ी कंपनियां उनको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर रही हैं। तो क्यों आप वही पुराने ज़माने में जी रहे हैं, 1980-90 के दशक में जी रहे हैं, और वही पुराने तरीके अपना रहे हैं? अपने पैसे को वेस्ट करें, अपने मनी को वेस्ट करें। आप भी अपने डिजिटल प्रेजेंस को ला सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। आप प्रोडक्ट, सर्विस, कॉन्सेप्ट या किसी भी तरीके की चीज़ है उसको लोगों को जना सकते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है सोशल मीडिया प्रमोशन। तो आप उसको स्टार्ट करें। उसको स्टार्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे प्लान्स देख सकते हैं। बहुत तरीके की बिजनेसेस हैं, चाहे वो टूर ट्रैवल एजेंट हों, या फिर फर्नीचर से जुड़ी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकता है, बहुत तमाम तरीके के जितने भी तरीके के बिजनेसेस हैं उनके लिए एमई इंडिया लेकर आया है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्लान, जो कि 10, 15, 25,000 के मंथली पैकेजेस से स्टार्ट होते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं me india.in, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड करा रही है। तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे आपको वो चीज़ें दे रही है जो और कोई नहीं दे सकता।